नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रलोक कुमार और आपको मेरे चैनल एस के बिल्डिंग डिजाइन स्टूडियो पे स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन घर का डिज़ाइन लेकर के आया हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं, और इस प्लॉट का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन है दोस्तों, और इसको सेम ही वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है। दोस्तों इसमें कंप्लीट 100% वास्तु नहीं है, इसको सेमी वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है दोस्तों। और इस प्लॉट का जो डायमेंशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो 37 फीट बाई 73 फीट का है। इसका जो विड्थ है दोस्तों 37 फीट का इसका विड्थ है, और इसका जो डेप्थ है वो 73 फीट का है। और दोस्तों इसमें जो प्लान में जो दिया गया है उसमें 2 बेडरूम का एक बहुत ही लग्जरियस टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, ताकि हमारे क्लाइंट इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बंगलो का मज़ा इसमें ले सकते हैं। दोस्तों आप इस प्लान को देखिए, समझिए, और हम आपको इसके बारे में अच्छे से अभी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप अपने लिए इसी तरीके का कोई दूसरा या अपने प्लॉट पे कोई और ही भी बेहतर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए। दोस्तों जो हमारा ये प्लॉट का जो कवर्ड एरिया है टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं 2218 स्क्वायर फीट में है, और ये हमारा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही प्लान है। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप इसको फर्स्ट फ्लोर पे चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसको अलग तरीके से भी डिज़ाइन किया जा सकता है दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग यूज़ के हिसाब से। और हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का जो कवर्ड एरिया है दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल 2218 स्क्वायर फीट है, 2218 स्क्वायर फीट का हमारा ये कवर्ड एरिया है दोस्तों। और इसी के थ्रू जैसे ही हम यहाँ से आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 फीट बाई 4.5 फीट का एक हमारा ड्राइव एरिया छोटा सा मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एरिया मिल जाएगा, यहाँ से हम आसानी से अपना गाड़ी वाड़ी जो भी हो हमारा गाड़ी अंदर लेके जा सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा पूरा का पूरा पोर्च एरिया है दोस्तों, इसमें आप चाहे तो 2 या 3 गाड़ी भी इसमें लगा सकते हैं। और इसका जो डायमेंशन है वो 21 फीट 9 इंची बाई 13 फीट 9 इंची का है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन भी अवेलेबल है, आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके आपको 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। 21 फीट 9 इंच बाई 19 फीट का है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। और इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक लॉन एरिया भी दिया गया है, ताकि आप अपना घर में एक छोटा सा गार्डन भी रख सकते हैं, या झूला वगैरह जो भी है तो अपने बच्चे के लिए वहाँ पे रख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और उसके बाद जैसे ही हम घर में एंटर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो हमारा घर में एंट्रेंस के लिए दो जगह है दोस्तों। अगर हम इसको रेंट पर्पज़ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, मैं उसको आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। और हमारा जो मेन एंट्रेंस रहेगा दोस्तों ये रहेगा, बट हम अगर हमारे घर में कोई गेस्ट है तो हम गेस्ट को इस घर से ही यहीं से एक एंट्री दे देंगे, जहाँ पे हमारा एक ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया रहेगा, जिसमें हम एक बहुत ही बड़ा और शानदार स्पेस का हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है दोस्तों। और इसका जो साइज है 13 फीट बाई 21 फीट का है दोस्तों, देख सकते हैं 13 फीट बाई 21 फीट, 13 फीट बाई 21 फीट का है दोस्तों। और इसमें आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज के हिसाब से आप अपना सोफ़ा वगैरह भी लगा सकते हैं, या इसमें तो पहले से लगाया हुआ, अगर आपको कुछ और भी डिज़ाइन पसंद होगा तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसमें एक डाइनिंग को हटा करके यहाँ पर एक छोटा सा बेड भी लगा सकते हैं, जो कि हमारा कोई गेस्ट आया तो उसको हम इसी रूम में स्टे करा सके दोस्तों। और इससे हम बाहर निकलने के लिए एक हमारा एक डायरेक्ट एंट्री लॉबी में भी होता है, जो कि 5 फीट 10 इंच बाई 8 फीट 1.5 इंची का है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा है, 5 फीट 10.5 इंची बाई 8 फीट 1.5 इंची का है दोस्तों, देख सकते हैं 8 फीट 1.5 इंची का। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो घर का जो मेन एंट्रेंस है वो हमारा इसी एरिया से रहेगा, चाहे तो हम इधर से भी अपना ड्राइंग एरिया में आ सकते हैं, अदरवाइज हम अपने घर में जाना हो तो हम इधर से जा सकते हैं दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ से अंदर जाएंगे हमारा सबसे बड़ा एक लिविंग एरिया मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं लिविंग रूम है जो कि 17 फीट 6 इंची बाई 14 फीट का है, 17 फीट 6 इंच बाई 14 फीट का है दोस्तों। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सोफ़ा वगैरह, डाइनिंग वगैरह अगर आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं, ये आप अपने घर में पर्सनल यूज के लिए रहेगा दोस्तों। और ये वाला जो पोर्शन है वो आपके गेस्ट के लिए बनाया गया है दोस्तों। और इसी के पीछे हमने एक छोटा सा गार्डन के लिए दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह ओटीएस वगैरह डाल सकते हैं, ताकि अपना घर में लिविंग रूम में और ड्राइंग रूम में सब साइड आप आसानी से थोड़ा सा वेंटिलेशन को अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है। और इसी के साथ जैसे ही हम अंदर आते हैं तो दोस्तों सबसे पहला हमारा यहाँ लिविंग रूम के जो सामने है वो हमारा कुछ किचन है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी मॉडुलर तरीके से बनाया गया है।
और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सब चीज़ ऑलरेडी ऑलरेडी मेंशन भी है, और 10 फीट बाई 13 फीट का है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन इसको बोला जा सकता है, जो कि आप आसानी से इसमें 4-5 लोग भी एक साथ रह करके खाना बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। और लिविंग रूम से जैसे ही इंटर लेते हैं तो हमारा एक छोटा सा लॉबी एरिया भी मिल जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं लॉबी एरिया है, और इसी लॉबी एरिया इसका जो साइज़ है 6 फीट 3 इंची बाई 6 फीट 7.5 इंची का है दोस्तों। यहाँ से आप अपने दोनों बेडरूम में और एक अपना जो स्टोर रूम है उधर आप एंट्री ले सकते हैं, और हमारा जो स्टोर रूम का साइज़ है वो हमारा हो जाएगा 10 फीट बाई 7 फीट का, जो आपके घर में जो भी राशन का सामान वगैरह है या अदरवाइज कोई दूसरा स्टोरिंग पर्पज़ के लिए है, आप किसी भी प्रकार का स्टोरिंग उसमें कर सकते हैं। और इसी के जस्ट सामने आपको एक बेडरूम में एंट्री मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं जो बेडरूम का जो साइज़ है वो यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 14 फीट 3 इंची बाई 16 फीट 6 इंच का, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके का, बहुत ही शानदार बेडरूम का भी डिज़ाइन है दोस्तों। और इसी से अटैच हमने बाथरूम प्लस ड्रेसिंग वगैरह का सबका सिस्टम दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं ये जो हमारा पूरा का पूरा एरिया है, हमारा ड्रेसिंग बाथरूम और सेप्टिक टैंक जो भी हमारा यहाँ पे रहेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी में है, ड्रेसिंग भी है, बाथिंग एरिया भी है, अपना जो सीट वगैरह यहाँ पे लगाना है तो वाटर क्लोजेट इस एरिया में हो जाएगा दोस्तों। और हमने वेंटिलेशन के लिए अपने प्लॉट के सब साइड से थोड़ा सा जगह भी छोड़ रखा है, जो कि रियर एरिया में 5 फीट का है, और हमारा जो साइड एरिया में 3.5 फीट का जगह छोड़ रखा है, ताकि हम आसानी से जा सके और अपना विंडो का भी प्रोविज़न उधर दे दे, ताकि हमारे घर में और बाथरूम टॉयलेट किसी में भी हमारा वेंटिलेशन का कमी ना हो दोस्तों। और जैसे ही फिर इस लॉबी से एक और इधर आते हैं तो हमारा एक और बात बेडरूम है दोस्तों, देख सकते हैं, और इस बेडरूम का भी साइज बहुत ही शानदार है, 17 फीट बाई 13 फीट का दोस्तों, आप देख सकते हैं 17 फीट बाई 13 फीट का। और इसी से अटैच हमारा एक अपना बाथरूम एरिया है, और सीट और नहाने का जो भी आप इसमें अपने हिसाब से रख सकते हैं दोस्तों। और इसमें छोटा सा एक वार्डरोब का भी ऑप्शन दे रखा है हमने वार्डरोब का भी ऑप्शन है कि आप अपना घर का अगर कोई सामान हो तो आप इधर सेट कर सकते हैं दोस्तों। और इसी से हमने एक बैक साइड में लॉन्ड्री एरिया के लिए जगह छोड़ रखा है, जो कि 6.5 फीट बाई 8.5 फीट का अप्रॉक्स है, और आप अपने घर से आप चाहे तो बाहर जा सकते हैं, पीछे का भी घर के पीछे का भी मज़ा ले सकते हैं, अगर आप इधर ग्रीनरी वगैरह अगर कुछ लगाते हैं तो दोस्तों। ये पूरा का पूरा साइज आपको जो दिख रहा है दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से है। और दोस्तों सबसे पहले मैं स्टेयर की बात बताना भूल गया था, स्टेयर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जैसे ही हम पोर्च से ऊपर जाते हैं तो हमारा स्टेयर पे जाने के लिए दो ऑप्शन है, एक इधर से है और एक इधर से। अगर हमारा घर का मेंबर होगा तो आसानी से इधर से आएगा, अगर हम किसी को रेंट पे देते हैं, अगर ऊपर में हम बनाते हैं रेंट पर्पज़ से और किसी को रेंट पे देना है तो हम इस साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं स्टेयर हॉल है, इसका जो साइज़ है 12 फीट बाई 9.5 फीट का है, जो कि 3 फेज में सीढ़ी चढ़ाया गया है, स्टेयर चढ़ाया गया है, और ऊपर में जा करके हम अपना रेंट पर्पस के हिसाब से इसको आसानी से दे सकते हैं, और अपना घर का मज़ा भी ले सकते हैं और रेंट का भी मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये प्लान, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमसे अपना घर का नक्शा डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करें अपना अगर दोस्तों आप हमसे अपना घर का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, अपना प्लॉट के बारे में बताएं, और हम आपके लिए ज़रूर उस टाइप का प्लॉट का डायमेंशन का एक अच्छा सा प्लान बना करके आपको दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।